गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता था, कुसुम से पहली बार मिला था। मैंने उसे अपना आईएएस बनने का सपना बताया। देख भाई संदीप, जब तू आईएएस बन जाएगा ना तो हमें मत बोलियो, इस घर में रहा इतने साल हैं, और ना मिठाई जरूर खिलाना है, है? अंकल वो आप वो टीवी का फ्री किससे? लास्ट ईयर एक नंबर से लिस्ट से बाहर हो गया, 1.5 नंबर पूरा साल खा गया। संदीप भैया, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते तो उससे थोड़ा बेटर ही होता? आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी, घरवालों को विश्वास है इस बार तो निकाल लूंगा। घना फोर्स किया, कोचिंग कर कोचिंग कर, अब उनकी रोटी छीन के कोचिंग तो ना होगी मुझसे। चल छोड़, तू ये बता, व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर? संदीप भैया, देश की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है। आईएएस बन के देश की ऐसी कौन सी सेवा कर लेगा तू? भाई एक आईएएस की ट्रेनिंग ना लवासा से नहीं, यूपीएससी की प्रिपरेशन से शुरू हो जाती है। और पता है, मुझे तो तब सही में समझ में आ गया कि मुझे आईएएस क्यों बनना। क्यों? क्योंकि मुझ में पोटेंशियल है, मैं चेंज ला सकता हूँ। इस बार आपका पक्का हो जाएगा संदीप भैया, मुझको क्या सबको यही लगता है, आप इस बार निकाल लोगे। संदीप आए पर कितने गए, हमारी उम्रें निकल गई यहाँ पर ये सब करते करते। कोई बात बता, पर छत्ती पे खड़े होके किताब में देखने से यूपीएससी क्लियर हो जाएगा? तू बता, हो जाएगा? अरे फिर बाद में जब रिजल्ट आता है ना, इन सब की पोले खुल जाती। सर, आप एलसी साहब हैं और ये उनके सबॉर्डिनेट्स। वैसे मैंने मेल पढ़ा था आपका, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर संदीप ओलान आप हैं। हम तो बस संदीप भैया ही जानते हैं। सर मुझे लगा था जब यूपीएससी नहीं निकला तो पीसीएस मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत जरूरी था, पर मैं गलत था। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ईगो था। भैया मुझे तो लगता है कि आपने तब जो किया वो आज वर्थ इट है। माँ बाप प्यार दोस्त, इन्हें अपने ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस कर देना, इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल।